नमस्ते किसान, मेरा नाम जयंती किसान है और एक किसान मित्र ने कर्नाटक से एक वीडियो भेजा है। मेरी फ़ोन पर भी थोड़ी बात हुई थी तो मुझे समझ में आया कि बहुत ही सारे किसान ने गड़बड़ी की है अन समझ में, जानबूझ के नहीं, लेकिन जो आसपास वाले जो फार्मर कर रहे वही देख देख के उसने भी ये गलती की है। तो मैं आगे जाके जो जो मेरे टेलीफोन पर बातचीत हुई वो भी आपको बता, तो उसका क्या बेस्ट इलाज है, हमें फार्मर कहाँ एक गलती नहीं करनी चाहिए वो मैं आपको समझाता हूँ। यही प्लॉट में लैंड में ऐसा छोटा भी है, एक एक प्लेस में ऐसा है, इसका सेपरेट ट्रीटमेंट कर सकना, क्या करना उसका भी ड्रेंचिंग किया पूरा ये लैंड में ऐसा हो गया। ये 5 महीने का पौधा दिखा रहा है, इसका क्या करना अलग, इसका 4 दिन का 5 दिन का नहीं तो 1 वीक का ट्रीटमेंट देना, क्या देना वो भी बोले तो इसका भी देगा। ये 5 महीने का पौधा है, यही तो हमारा कहना है कि किसान ने 5 महीने का इतना पौधा, आप ध्यान से देखो तो 1.5 महीने में इतनी ग्रोथ हो ही जाती है पौधे में, अगर हमने सही से किसान पाठशाला की गाइडलाइन पे अगर हमने पौधा लगाया और ट्रीटमेंट की सही से तो 1.5 महीने में इतना पौधा की बढ़वार हो ही जाती है। 5 महीने का आप पौधा दे रहे हो तो उसमें मेरे किसान से बातचीत हुई थी फ़ोन पर, मैंने समझ में नहीं आया तो मैंने फ़ोन लगा के बात की थी, तो कुछ किसान मित्र ने मुझे बहुत सारी दिक्कतें बताई, तो मुझे समझ में आया कि ये हर किसान को एक गड़बड़ी हो सकती है, तो मैं आप सभी किसान को समझाना चाहता हूँ कि हमें एक गलती क्या नहीं करनी है। ठीक है, ये जो उसमें फील्ड में जो किसान ने जो पौधे लगाए वही फील्ड पानी ड्रेनेज मतलब पानी लीचिंग बहुत ही सारा होता है। ये बोलते हैं फील्ड पर मैंने बोला नाली पाले क्यों नहीं बनाई, तो किसान ने बोला जैसे हम पानी देते कितना भी पानी दो ऊपर में कुछ भी दिखता नहीं है, पानी नीचे ही चला जाता है। तो मैंने एक और बात पूछी, आपने ड्रिप कैसी लगाई है, तो किसान ने बोला कि ड्रिप हमने 1 घंटे की 4 लीटर की ड्रिपर है हमारी, उसमें ही किसान ने बहुत बड़ी गलती की है। अगर हमारा लैंड मतलब हमारी मिट्टी पानी नीचे ड्रेनेज बहुत सारा करती है, मतलब जैसे हमने कितना भी पानी दिया तो अगर नीचे चला जाता है, ऐसी ज़मीन में 4 लीटर वाली ड्रिप, किसान के मन में वही होता है कि अगर मैंने 4 लीटर वाली ड्रिप लगा दी तो जल्दी वो पानी जाएगा और अच्छे से भेज करेगा, नमी करेगा, उसके उल्टा हमें नुकसान होता है उसमें। जिस ज़मीन में हमें ड्रिप लगानी है वो मिट्टी को पहले समझना पड़ेगा, जिस मिट्टी में अगर पानी जल्दी से लीच होता है मतलब नीचे चला जाता है वो मिट्टी में हमें एकदम छोटे से छोटे ड्रिपर होना चाहिए, मतलब 1 लीटर या 1.5 लीटर का ड्रिपर होना चाहिए। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये ड्रिपर लाइन है, उसमें यहाँ से बूंद गिर रहा है, एक एक बूंद गिर रहा है, तो जैसे लीच वाली मिट्टी है मतलब रेतीली जैसी या पत्थर कण वाली जो मिट्टी है उसमें पानी जल्दी से नीचे चला जाता है, तो उसमें जैसे हम एक एक बूंद गिराते हैं तो यहाँ ना यहाँ पानी रुकता है और फैलता है, ऐसे फैल के पानी चलता है और ऐसे चला जाता है, फैल के चला जाता है, ऐसे धीरे धीरे जितनी छोटी छोटी बूंद पड़ेगी जितना कम पानी गिरेगा इतनी ज़्यादा ऊपर से फैलता जाएगा पानी। अगर हमने पानी ज़्यादा गिरा दिया तो सीधा ही ऐसे ही चला जाएगा, आप ध्यान से देखो तो फैलेगा नहीं, ऐसे ही सीधा चला जाएगा, फैलेगा नहीं ऐसे ही सीधा चला जाएगा, पानी अंदर ड्रेनेज होगा, इतना जल्दी उसे ड्रेनेज देखो तो हमने जो भी पौधे की मतलब जड़ों में जो भी हमने खाद दिया है वो पानी ड्रेनेज वो खाद लेके नीचे तक चला जाएगा, मतलब बहुत सारे गहराई में वो खाद चला जाएगा। तो क्या होता है केले की रूट कभी भी 9 इंच से की नीचे की जो खाद है वो कभी भी उठाता नहीं है, उतनी उधर तक रूटी नहीं होती है, तो हमें फैला के ही पानी देना चाहिए,
फैला के ही जाना चाहिए, ऐसी सिस्टम हमें ड्रिप में बनानी चाहिए। इसके लिए हमें ये 4 लीटर का जो ड्रिपर उसने लगाया है, इसके बजाय हमने अगर 1 लीटर का ड्रिपर लगाते तो धीरे धीरे यहाँ बूंद गिरती और पानी पानी ऐसे समझो कि ड्रिपर है, पानी गिरता है इधर से तो उसमें बूंद बूंद गिरती है, तो ऐसे पानी फैलते जाता है नीचे ड्रिप में, ऐसे फैलते जाता है। तो हमारा जहाँ भी हमने पौधे की जड़ों में जो खाद दिया है वो भी यहाँ यहाँ ही रुकता है, ना कि नीचे चला जाता है, तो पौधा अच्छे से भोजन उठाता है और अपनी अच्छे से बढ़वार करता है। अगर हमारी काली मिट्टी है तो हमें ड्रिपर ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। काली मिट्टी में उल्टा होता है, जैसे हमें छोटे ड्रिपर से पानी देते हैं वो तो सीधा नीचे चला जाता है, वो फैलता नहीं है, सीधे नीचे चला जाता है, वो फैलता नहीं है। तो काली मिट्टी में हमें क्या करना पड़ता है, उसमें अगर यहाँ से बूंद बूंद गिर रही है और तो उसमें ज़्यादा एक साथ पानी देना पड़ेगा, तो काली मिट्टी में जल्दी नीचे नहीं जाएगा तो पूरा ऊपर फैलेगा, ऊपर ऊपर फैल के जब पानी जाएगा तो हमें जो भी खाद दिया है वो नीचे नहीं जाएगा, तो फिर वो पौधे के रूट के आसपास रहेगा। लेकिन हमें इस तरह ही पानी देना पड़ेगा, मतलब हमने जो भी ड्रिप सिस्टम लगानी है उसके पहले मिट्टी का स्ट्रक्चर हमें समझना पड़ेगा, ड्रिप का स्ट्रक्चर हमें समझना पड़ेगा, तो ही किसान को फायदा होगा। वरना बाजू वाले खेत ने जो की स्थिति वही हम करेंगे तो हमारे खेत में भी वही नुकसान होगा। तो आगे ध्यान रखना है कि ड्रिपर कैसा होना चाहिए। अगर हमारी मिट्टी पानी पकड़ के नहीं रखती, नीचे ही चला जाता है, तो हमें जितना ड्रिपर छोटा हो इतना हमें फायदा ज़्यादा देगा। अगर काली मिट्टी है, पानी पकड़ के रखती है, तो जितना बड़ा ड्रिपर होगा इतना हमें फायदा देगा। ये हमें किसान लोगों को ध्यान रखना है। और एक बात है, किसान ने बताया कि हमारी पथरीली मिट्टी है, तो पथरीली मिट्टी हो या एकदम बालू मिट्टी हो, तो हमें ये जो किसान अभी जो इसने फील्ड बताई उसमें आप ध्यान से देखो तो पानी बिल्कुल फैला ही नहीं है ना, सीधे अंदर चला गया है। ऐसा छोटा और ऐसी 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 पथरीली मिट्टी हो उसमें कार्बन बहुत ही कम होता है। अगर हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की बहुत ही मात्रा कम है तो हमें अच्छे से उसमें बायोमास पहले देना चाहिए, फिर खाद की बात आती है, पानी की बात आती है। ठीक है, अच्छे से हमारे खेत में अगर बायोमास है, बायोमास के लिए हम गोबर का खाद का यूज भी कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट है तो भी यूज कर सकते हैं, अगर गन्ने का जो प्रेसमेट है वो भी हमें डालना चाहिए, तो ही हमारी फील्ड में अच्छे से हम जो खाद दे रहे वो ही पौधा अच्छे से अपटेक करेगा और हमारी अच्छी बढ़वार करेगा। ठीक है, ये हम किसानों को खास ये ध्यान रखना है। धन्यवाद।